खरगोन थाने पर एक लड़की ने देवनालिया के सरपंच के खिलाफ यौन शोषण का मामला पंजीबद्ध करवाया था। इसी क्रम में सोमवार को सरपंच भुरलाल ने थाने आकर गिरफ्तारी दी। बता दें कि युवती ने आरोप लगाया था कि सरपंच ने लोन के बहाने उससे दुष्कर्म किया। इस दौरान भूरेलाल ग्रामीणों के साथ गिरफ्तारी देने पहुंचा। सूचना मिलते ही थाने पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान भूरेलाल ने बताया कि मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मेडिकल परीक्षण करके दुष्कर्म मामले के आरोपी को जेल भेजेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मेरे ऊपर लगाया है, लेकिन मैं सबूत के साथ तैयार हूं ऐसा, और जो मेरे एंगेजमेंट हुआ है सब टोटल ये डॉक्यूमेंट्स सब फोटो वगैरह सब मेरे पास तैयार है। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और मैं चाहता हूं कि वो मैं जब मैं जा रहा हूं जेल है ना, तो वो भी जाना चाहिए मेरे साथ। कुछ नहीं, उसको डायरेक्ट जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचाना। मैं तैयार हूं भैया, मेरे को कर दिया क्योंकि मैं बाल बच्चे वाली हूं, मैं नाती पोते वाली, मैं बहू बेटे वाली हूं। तू ये काम मत कर, मेरा पति है सरपंच, इतना बड़ा कार्यक्रम लेके चल रहे हैं, इसका मतलब तो पिंकी ने मेरे को क्या जवाब दी? नहीं, मैंने जो चुन लिया पति चुन लिया। तो मैंने उसको बोला बहन समझ के, बोला बहन समझ के कि पिंकी तू ये कदम मत उठाए, मैं बहू बैठे वाली हूँ, नाती पोते वाली हूँ। 2017 से मैं समझा रही थी और मेरे से नहा बर्दाश्त हुई। 2018 में मेरे माँ बाप के घर चली गई हूँ, बड़वा की रहने वाली हूँ मैं। मेरा नाम सीमा है और भिलवाले समाज की हूँ, बड़वा की लड़की हूँ मैं। और उसको ये भी बोला, और मेरे को एक एक व्यक्ति जानता है, इसके कारण पिंकी के खिलाफ मेरा पति छोड़ के मैं चली गई हूँ। पिंकू को यही बोला कि देख मैं आज मेरा पति मेरे नाती पोते छोड़ के जा रही, मेरे बहू बेटे छोड़ के जा रहे, ये पूरा परिवार छोड़ के जा रही हूँ। तो मेरे आदमी के साथ में कुछ खिलाफ आना नहीं चाहिए। तब पिंकी ने मेरे को ये सबूत दिया था कि नहीं कुछ नहीं आएगा, जब मैं चाहती हूँ आपका पति से तो मैं कुछ भी कर सकती। तो मैंने ये बोला कि चलो भाई मैं चल। क्या नाम आपका? मेरा नाम सीमा बिलवाल है, मैं भूरेलाल की पत्नी हूँ। क्या है मामला? ये 13 तारीख को एक युवती द्वारा थाना कोतवाली में FIR की गई थी कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसमें दो नामजद आरोपी थे, दोनों आरोपी आज आए हुए हैं, अपने साथ कुछ और भी लोगों को ले जाए, अभी वो वापस चले गए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी की गई भी नहीं, अब इनका मेडिकल परीक्षण करा करके और न्यायालय पेश किया जाएगा, संभवतः जहाँ से जेल जाएगी। सरपंच का कहना है कि मेरी शादी हो चुकी थी और फिर भी मेरे खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज लेके आया। ये देखिए आपका क्वेश्चन, आप खुद ही समझिए, शादी हो जाने के बाद कोई दुष्कर्म नहीं करेगा, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। दुष्कर्म किया है और उसकी विवेचना चल रही है, मेडिकल परीक्षण हुआ है और उसके 164 के कथन कराए गए हैं फरियादिया के, तो वो अपने न्यायालय डिसाइड करेगी आगे जो कुछ सिद्ध होता है या नहीं। सर भारी पुलिस बल लगाना पड़ा, रैली के रूप में आया आरोपी। देखिए आप लोगों को सूचना मिली थी कि काफ़ी सारे लोग हैं, इकट्ठा होके आ रहे हैं और हो सकता है कुछ विरोध करें, क्योंकि अभी त्योहारों का भी समय है और कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई हैं, तो एक एहतियात के तौर पे बल लगाया गया था। चूँकि बल हमारे पास उपलब्ध था, अलग अलग ड्यूटियों के लिए जाना था, उसको कुछ देर रोक के इस व्यवस्था के लिए लगा दिया गया था। एक युवती ने प्रकरण दर्ज कराया कि आपने रेप किया उसके साथ, और पिछले 3-4 साल से लगातार रेप कर रहे हैं, क्या मामला है? मेरे सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है मेरा कि मैं आरोपी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि मेरे साजिश में एक रचा गया है कि मेरे खिलाफ इन लोगों ने प्राधिकरण और दुष्कर्म के मामले में इन्होंने आरोप लगाया, लेकिन मैं निष्कर्ष हूँ और मैं आरोपी नहीं हूँ। क्यों? इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ी ये चीज़ें करी है कि मेरी आर्थिक अवस्था कमजोर होने के कारण कि न तो इसको पढ़ाया जाए, बेड के बाद हुई है, टोटल से जाती सारी चीज़ें जो करी थी। मैं उनने बोला कि भैया मैं आर्थिक स्थिति कमजोर है, मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे, है ना, शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद उन लोगों ने बोला है कि मैं चलो ठीक है, उसकी NMT कोर्स पूरी कम्प्लीट करवाने के बाद, और NMT कम्प्लीट करवाने के बाद इन लोगों ने ये बोला है कि अपन शादी करवा लेते हैं। तो मेरी 2 नवंबर 2019 में मेरी फोटो मेरी शादी हो गई थी, ये मेरे पास प्रूफ है, और 25-7-2017 का मेरा ये मैटर है, जब से मेरा 5 साल जब से नियमित हो चुका था। आप वो दूसरे मेरे पर आरोप लगाई, मेरे परिवार को उन्हें पढ़ाया है, मेरे परिवार के साथ वो घर गई थी और पूरे परिवार के साथ वो मेहमान भी गई, वो सब कुछ करी उन लोगों ने, क्योंकि मेरे रोटी खिलाई, सब कुछ करवाया उन लोगों ने। देखिए उसके बाद वो बर्थडे परिवार बोली भेड़िया, आदिवासी हमारे बोलते भेड़िया परिवार, कि भेड़िया परिवार की मैं हूँ,
और मैं आपकी शादी करता हूँ। मैंने तो उसका बोला मैं बड़े वाले परिवार का हूँ, बिल वाले परिवार का। तो मेरा यही है, उसके बाद उन लोगों ने ये बोला है कि जब उसकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद इन लोगों ने ये बोला है कि मैं आपके परिवार की हूँ। तो मैं पूछूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, उसको नहीं रखना चाहता। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे परिवार को रख लूँगा। तो मेरी बहन को रख लिया मैंने, ये साक्ष्य माना जाएगा क्या? इसलिए मैंने उससे एक साल से बात नहीं करी। और मैंने उसको यही बोला है कि तू, हाँ उसको मैंने यही बोला है, मेरी धर्म पत्नी है और उसके कारण इन लोगों ने ये उनको घर छोड़ के वो गई थी और मेरे को सपोर्ट जा करके आज मेरे ये दिन आ गए कि आज मेरे को दुष्कर्मी सरपा और बलात्कार का केस उन्होंने आरोप लगाया है, वो गलत है। शिकायत उन्होंने की है कि लोन के नाम पर आपने दुष्कर्म किया दो साल। मैंने आपके आपसे मैं सहमत हूँ, है ना, वो छोटी बच्ची रहती 23 साल की उम्र, उसमें डेड बॉडी थी, है ना, जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें टोटल। जब मैं पहले हूँ उसने गलत, उसने क्या बोला कि वो चीज़ को बोले कि हमें वो लोन के लिए मामले में, तो लोन तो वो कुछ जानते ना, पढ़े लिखे शिक्षित है, वो एनएम कर रही है, अनपढ़ नहीं है, वो अनपढ़ रहती है। तो अनपढ़ होने के नाते मैं भले मैं वो कहती ना तो बिल्कुल मैं दोषी था, लेकिन दोषी नहीं हूँ, वो अनपढ़ नहीं है। मैं पढ़ाया लगा भैया 85,000 रुपये उसकी साल की वो आती थी फीस एनएम की, और मेरे परिवार मेरे बच्चे साथ में है, उन्होंने इनको पढ़ाया, ये मेरी छोरी है, सब इनको पढ़ाया है ना, और साथ में रहे। और ये यहाँ पे आपको रूम भी दिखा दूंगा कि वहाँ रूम पे रहे। क्या चाहते हो आप? मैं तो भैया यही चाहता हूँ कि मैं समाज के आदमी हूँ, वो भी समाज की लग निकल के मैं बाहर बाहर उनसे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।